रविवार को शाम तेज आंधी के साथ हुई बारिश ने भले ही लोगों को डराने का काम किया हो, लेकिन किसानों के लिए सबसे बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी, जिसका आलम कुछ ऐसा है कि किसान ना तो रो पा रहा है और ना ही कुछ कह पा रहा है। किसानों की बदहाल हालत का उदाहरण लेना हो तो कानपुर के ग्रामीण क्षेत्र ही बता सकते हैं कि आखिर किसानों पर आई मुसीबत किस तरह से कहर बरसा चुकी है। किसानों के इस हालातों पर उस वक्त और तरस आ गया जब मौसम के सही होने के बाद सोमवार की सुबह कुछ आस लिए किसानों का खेत पहुंचना हुआ, जहां पहुंचते ही उनमें हाय तौबा सी मच गई, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान उम्मीद की आस लिए फसल पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी, जिसको देख आंख में आंसू लिए किसान बंजर जमीन समझकर कुछ तलाशने की फिराक में दिखे। अच्छा, आप कौन से गांव के रहने वाले हो और कल क्या समस्याओं का सामना करना पड़ा? हमारा गांव फतेहपुर दक्षिण लगता है, और यहाँ पे मतलब कल आंधी जो आई बहुत तेज आई आंधी, बाद में खूब पानी बरसा, सब लाख भी उड़ गई, उसकी भूसा भी उड़ गए, बड़ा नुकसान गया है। क्या करें, मतलब इसको जीना तो पड़ेगा। पूरे गाँव का किसान किस तरीके से परेशान है? परेशान है किसान, कोई मतलब ऐसा सुखी नहीं है जो मतलब जिसका उड़ाना हो। किस तरीके से आपका परिवार और जीवन यापन चलेगा, जिस तरीके से आप उम्मीद रखे थे कि फसल कटेगी? तो मतलब जो सरकार देखो कुछ बहुत थोड़ा दे रही है, और मतलब आगे राहत देगी तो मतलब उसी से सबको ज्यादा होगा, मतलब जो होगा तो सब। कितना नुकसान हुआ आपके खेतों में? क्या पूरे गाँव में इसी तरीके का नुकसान देखने को मिला है? अरे गाँव में तो मतलब बाकी यहाँ साइक्लोन भी गया, जमीन को भी नुकसान है। किस तरीके के ये नुकसान हुआ था? आपके गांव में कितने बीघा खेतियों का नुकसान हुआ है और सरकार से आप क्या उम्मीदें रखते हैं इस नुकसान को लेकर? 350-400 बीघा खेती।